शुरुआत एक ब्लैक कॉफ़ी के साथ और अच्छी खासी धूप में इन ले सिटी। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ आरपीजी एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज 6th June 2022 और आज हम ले में हैं और आज का दिन हमारा एक्लोमेटाइज करने का है और थोड़ा लोकल घूमने का है। यहाँ पे जो भी कुछ है, कल का जो था आपने देखा कि हम डिनर के लिए बाहर गए थे और उसके बाद मैंने कुछ कंटिन्यू नहीं किया, खा पी करके अपना सो गए थे, कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं। तो मैंने कहा चलो कंटिन्यू करेंगे आज से, या फिर जो भी न्यू ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। धूप बड़ी तेज़ लग रही है, अच्छी खासी है अभी, बहुत तेज़ धूप है। रात में ठंड बहुत तेज़ हो गई थी, अभी धूप बहुत तेज़ है। जैकेट पहने के लिए पहले ये नहीं समझ रहा। हाँ अब गर्मी लग रही है, जैकेट में इतनी तेज़ धूप है मुँह पे। सो मुँह पे आप मेरी टैनिंग देख सकते हो कितनी भयंकर हो चुकी है, मेरा मुँह लाल हुआ पड़ा है। हाँ बहुत गर्मी नहीं, तुम लोगों को पहनते हो ना बैलक लाओ, मेरे को पसंद नहीं हो, मेरे को इरिटेशन होती है, कान में दर्द होने लगता है मेरा। मेरे भी बहुत है। कॉफ़ी पीते हैं, अभी सुबह के 8 बज रहे, 8 बज रहे ना टाइम, टाइम क्या है, 8 बज रहे, 8:15 के आसपास हो रहे हैं। सो कॉफ़ी भी पी के फ्रेश व्रेश हो गए, थोड़ा बहुत बाइक्स में अपना जो भी कुछ काम हुआ वो देखेंगे आज और उसके बाद लोकल घूमेंगे, आपको दिखाएंगे कि ले सिटी ऊपर से कैसे दिखती है, ठीक है, बाद में पता चलेगा ऊपर कहाँ से। सो हम आए हैं छत पे व्यू के लिए, भयंकर व्यू बाकी ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं होता। तो यहाँ पर रात को स्नोफॉल हुई है, मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ स्नोफॉल, देखो ओ भाई साहब ये वो रुई है जो पेड़ से गिरी है। तो छत पे जो आए ना व्यू व्यू के लिए नहीं आए, छत पे आए इनके कपड़े सुखाने। हाँ भाई सूख गए कच्चे बनियान, कच्चे बनियान सूख गए, कच्चे बनियान तो दिल्ली का है। हमने इनके होटल का व्यू खराब कर दिए थे, नीचे सारे ग्रिल पे कपड़े लगा दिए, अरे भैया ऊपर ले जाओ। तो आपको यहाँ के हमारे भाई से मिला, तो जो हमारे लिए सारा मेहनत कर रहे खाने पीने की, तो ये क्या नाम है आपका? सफ्तर अली। कहाँ से हो? कारगिल से आए हैं सफ्तर अली, यहाँ पे काम करते हैं और बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं हमें। तो इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, सारी वीडियो देखना, बेल आइकन दबा दो, ठीक है, सारी वीडियो देखना, ठीक है, मजा आएगा। मेरा भाई केला फ्रूट चाट खाओ खाओ, अभी इन्होंने थोड़ा सा खाया वरना पूरा खा रहे थे एक बार में कैमरा के सामने। A few moments later, हर चीज कंटेंट है व्लॉगर्स लाइफ में, ठीक है। अपनी बाइक की चाबी साफ शब्दों में खो चुकी है। गुरुजी के बता लो, गुरुजी तो फिर गुरुजी पकड़ाई थी गुरुजी को चाबी, पता नहीं उन्होंने कहा रखी है या कहीं चली गई, अपना पूरा रूम छान मारा है, एक एक चीज देख ली है भाई, सब देख लिया, एक एक चीज देख ली, चाबी नहीं मिल रही है, चाबी मिली तो गुरुजी पार्टी देंगे सबको, बट मिल तो जाए पहले, तो पार्टी नहीं देना चाह रहे इसलिए कर रहे हो ऐसा, पार्टी देना नहीं चाह रहे इसलिए कर रहे हो ऐसा, ये गलत बात है यार, चाबी ढूंढो वरना फिर आज का दिन भी निकल जाएगा ऐसे ही। इसीलिए देखा पूरा लॉक सेट चेंज होता अभी, अगर चेंज नहीं करवाई होती मैंने तो, लेट्स सी मिलेगी तो पता चलेगा, पर मिलेगी जरूर, मुझे तो ना पता है बेटा, आगे जाकर सामान खुलेगा ना घर जाकर तब पता चलेगा, ओए ये तो ये नहीं, समझ रहे हो क्या होने वाला है। चाबी तो बिल्कुल भी नहीं मिली है, हमने पूरा सर्च कर लिया है, देख लिया पूरा कमरा, एक एक के बैग से कपड़े निकाल करके सारा सामान हटा करके देख लिया, याद है उनको चाबी गई कहाँ। एनीवेज लॉक तोड़ना पड़ेगा, फिर लॉक सेट इसका चेंज होगा, सो सिग्ले भी जा रहे हैं, गुरु जी गए हुए हैं मैकेनिक के पास, तो लॉक तोड़ करके हमें ले जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास, तब होगा नहीं तो शाम तक आ पाएगा रॉयल एनफील्ड से भी मैकेनिक। तो ट्रिप पे ये सब बातें ना हो तो वो ट्रिप अधूरी रह जाती है, कुछ ना कुछ तो होता है, पहले भाई का फ़ोन खोया
मिल गया वो तो, हमारी चाबी कोई, चाबी छोटी चीज़ है, बैटरी खोई थी, बैटरी खोई थी, मिल गई वो, हमारा लग थोड़ा ख़राब चल रहा है, मिली नहीं चाबी जो अभी तक, वो बाद में मिलेगी, आई एम डैम श्योर। एक लॉक रख लेना अपने पास, तोड़ने के बाद उसको घुमाते रह जाएंगे। आई एम डैम श्योर मिलेगी वो जरूर, कहीं ना कहीं तो है। सो वेट कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, गुरु जी आ रहे हैं, उनको बताया कैसे क्या तोड़ना, कुछ भी नहीं तोड़ सकते ना ऐसे। बोल्ट खोल दिया, हिल रहा है तो था, परली साइड वाला भी खोल दे। स्क्रू ड्राइवर फंसा दे कहाँ पे, ये लॉक और डी के बीच में जो डिस्टेंस आएगा ना। हाँ, स्क्रू ड्राइवर फंसा के नीचे को, ये मत कर, उससे कर, वो उससे कर, उससे कर, रुक रुक ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, इस वजह से हाँ फंसेगा नहीं ना, फंसेगा काम बावड़े बावड़े। ये वाली साइड देख के रुक जा, एक ही चाबी तो दो थी, लॉक की एक ही थी। आ गया ऑलमोस्ट तो नीचे, रुको इतना हो गया ना, रुको 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 रुको, आ गया ये आ गया, मुबारक हो, लॉक खुल गया। अरे ये क्या करा आपने, क्या करा, उसकी तो वीडियो बनाई नहीं आती यार, बनाई ना हो गया यार, ये बदतमीजी है यार भाई, मेरे हाथ में मेरा हो गया था उस्ताद जिंदाबाद, सारे ब्लॉगर देखो कि मैं चाबी रख के, अरे एक काम करते हैं मेरे पास, फिल के चाबी रख करके मैं भूल गया, और भाई मतलब इतना दिमाग खराब हो रखा है अभी फिलहाल, कोई बात नहीं सब ठीक हो गया, कोई बात नहीं, हम तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, लॉक खुल गया बस, इस बंदे की वाइफ इतनी याद आ रही है, पार्टी अब इनकी साइड से, एक सोनू भाई भी है, सोनू भाई रोहित भाई इनकी तरफ से पार्टी है, अरे सोनू भाई आप कहाँ चले गए, मैं छोड़ करके, अरे हो गया काम, फाइनली लॉक तो टूट गया, अब इसका पूरा लॉक सेट चेंज होगा, हमने सोचा लॉक तोड़ करके हो जाएगा काम, चला लेंगे बाइक इधर उधर, फिर ध्यान आया उसी चाबी से सारे लॉक खुलते हैं, टैंक के पेट्रोल वेट्रोल सब कैसे डलेगा, पेट्रोल डलना भी है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद बाइक का लॉक वॉक करवाएंगे, सेट चेंज, फिर हम निकलेंगे आज के अपने दिनचर्या। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द बाइक वर्क, उसमें जो है पूरा लॉक सेट चेंज होगा, तो हम निकल पड़े हैं अपनी बाइक का काम कराने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डे, और फिर इसके बाद हम निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए लोकल, थोड़ा जल्दी से हो जाए हमारा काम, वरना आज के दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे श्रीनगर में हमारा निकला था। प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो इन्हेलर होता है ना विक्स वाला, वो मैंने एक नाक से ज़्यादा सुड़क लिया है, अब मेरी अब नाक में हालत ख़राब हो रखी है, वैसे हो जाएगा नॉर्मल, हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, एक ही बारी में नाक खुल गई सारी। रॉयल एनफील्ड की वर्कशॉप लोकल जो होती है यहाँ की मैकेनिक भैया की, हम रॉयल एनफील्ड के वर्कशॉप पे भी बात करी थी, पर वो शाम तक कर रहे थे, हमें कराना अभी अर्जेंट है। सो भैया हमारे साथ हैं जो कि करेंगे अभी इस बाइक के लॉक्स का काम। चुराना तो बहुत ही आसान है, वाकई में अब तो पता, पेट्रोल निकालना बहुत आसान है भाई। हाँ एक बार मैंने बाइक खड़ी करी अपनी और उसका पाइप निकला हुआ था, बाद में देखा मैंने बाइक कैसे बंद हो गई, बाद में जा करके देखा तो भाई साहब उसका पाइप निकला हुआ है और पेट्रोल लीक कर रहा है, तो बाइक बंद हो गई रास्ते, किसी ने बोला भैया पेट्रोल निकल रहा है आपका, भैया अभी सारी चाबियां लगा के देख रहे हैं कि किसी एक में फिट हो जाए तो कुछ जुगाड़ हो या फिर जो भी है, ये नया लॉक एक्चुअली क्या है, चाबी एक ही थी हैंडल लॉक की और उसी से सब कनेक्ट था, अब वो खो गई है तो सारे लॉक चेंज कराने पड़ेंगे, वरना पेट्रोल नहीं डल पाएगा, ये साइड के बॉक्सेस नहीं खुल पाएंगे इसलिए, वरना तो एक ही लॉक लगता है ये वाला, प्लस चाबी होती तो फिर लॉक निकालने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। बड़ी मशक्कतों के बाद फाइनली
टैंक का लॉक खोल दिया भैया ने। बंद कर रहा टक्कर, बड़ा मतलब इंसान है। तब हम पीने जा रहे चश्मे का पानी। ये चश्मा नहीं जो मैंने पहन रखा है, चश्मा उसे कहते हैं जो नेचुरल वाटर बहरा होता है। That is called in Hindi चश्मा। हाँ भाई सबको नहीं समझ आता है चश्मा क्या होता है। हम गाना भी गाते हैं उसमें भी चश्मा आता है, चश्मा ही समझ आते हैं। सो ये वो पानी है जो फ्रेश पानी माउंटेन से जो निकलता है, एकदम बहता हुआ ठंडा पानी। लेट्स टेस्ट इट। भाई अपनी टाइट करेंगे। हमारे गुरुजी आते हुए यार टैंक पे डेंट आ गया हल्का सा भाई, गर्मी नहीं लग रही। लॉक खोलते हुए सही में भाई डेंट आ गया भाई, ऐसे कॉर्नर पे टंकी पे झूठ बोल रहे हो। देख लो यार आ जाओ। अब ये देखो दिख नहीं ना हमें, ठीक है डेंट हो गया है। मैं बस एक्सप्रेशन देखना चाहता था, उससे ज़्यादा प्यार ही इससे, दोनों से है ना। वेरी गुड, पुराना प्यार भूलना नहीं चाहिए। बाइक का पहला वाला दूसरा छोड़ दो। माँ अपनी जगह होती है, बाप अपनी जगह, दोनों का प्यार बराबर है। माँ कौन है बाप कौन है, बाप तो यही है, यही है ना। सही, ठीक है। सो फाइनली अजीजो सारा लॉक सेट चेंज हो चुका है, ये नया लग गया, ये भी नया लग गया है। ये जो मैंने नया लगवाया था एज इट इज़ रख लिया है, ये आगे काम आ जाएगा। हमारे गुरुजी के दोस्त सोनू भाई, हमारे दोस्त जिनका आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आपके लिए उस्ताद, ये आपके लिए है। ये लगा देना किसी की बाइक में, दो चाबी के साथ है पूरा। और ये सेट चेंज हुआ है पूरा, गुरुजी ने खर्चा कर दिया आज पूरा। सो लेट्स मूव, अभी जा रहे हैं होटल, कुछ कुछ सामान उठाना है हमें, फिर हम निकले। गो गाइस, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द लोकल एरिया नाउ। लोकल में बहुत सारी चीज़ें, एक म्यूज़ियम है आसपास, एक फोर्ट है, पैलेस है, ले पैलेस है ना। फिर शांति स्तूपा है जो कि शाम को ज़्यादातर अच्छा होता है जाना, क्योंकि वहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है, पूरा ले का व्यू दिखता है जब लाइट्स वाइट जल जाती हैं। गमोरियाँ काट रही है गुरु जी को, सोचो ले में जाके गमोरियाँ। चले जी, आज का खर्चा एक एक्स्ट्रा हुआ। ले के जो मैप्स है ना, गलियाँ हैं, वो भाई साहब कहीं भी घुमा रहा है। कई जगह से वन वे कर रखा है, कभी कहीं से कुछ कर रखा है। हम जिस गली में जाएं वो गली बंद है, वो गली खुदी हुई है, ख़राब है। तो बस यही सब चल रहा है। और हम वापस आए हैं उस रूट पे जहाँ से मंदिर गए थे, मेन रोड से आगे निकलेंगे अब। तो शाम तक हमें वहाँ पहुँचना है, उससे पहले हम ले पैलेस जा रहे हैं अभी जल्दी से। फिर मिसिंग मार रही है फिर से, देखो चलो तो कल भी लेंगे, सुबह दोपहर को निकल जाएंगे यहाँ से। चलो इसको स्टार्ट कैसे करूँ, 2 मिनट दूर है 900 मीटर। मैं कह रहा 2 मिनट दूर है हम 900 मीटर, वो नॉर्मल रहेगा। तो गाइस आज ना हमने ले ऐसा एक्सप्लोर करा है कि इसकी बात ही अलग है। मतलब हम सारी बाइक्स यहाँ लगा के बैठे सुबह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहीं अपनी बाइक्स को एक्सप्लोर किया करा, बाइक में दिक्कत है। ये ले लिया तुमने, ठीक है। तो अभी हमें जाना है बहुत सारी जगह पे जाना। भाई ये जो बंदा है ना, ये बंदा हमें छोड़ के भाग गया। चलो देख लो इसकी हंसी, देख लो इसकी एक बार। वो जो बाइक बंद हुई थी ना, वो पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था, वो मिसिंग मार मिसिंग मार रहे थे। दो और ले लो ना। कहां गए तुम, ऑप्शन से छोड़ दो ये कहां गए, ले सिटी गया तुम, बहुत ले पहले ले सिटी, ले सिटी ले पहले दे दूंगा तुम्हें, डाल लेना अपने ब्लॉग में। भाई अब जाना कहाँ जाए, मैं धुलवाता हूँ तुम्हारा हो गया साहब का। अब कहाँ कहाँ जाना, समय बहुत कम है, अब समय कम है, शाम को इधर इसके
क्योंकि देखो स्कूल जाएंगे ये, फिर पत्थर साहिब भी जाएंगे, तो दोनों तो नहीं हो सकता जल्दी जल्दी, क्योंकि वो उस कोने में उस कोने में। चलो चलो चलना है, फिर तुमने चलना है। हाँ चलेंगे, हम चलेंगे। तुमने चलना है कहाँ? इस साइड तो रिकॉर्ड हुआ है ये बहस की आप पीछे उड़े। अच्छा मेरे को ध्यान नहीं रहा इस बारी, मेरे को ध्यान में नहीं आया इस बारी, मैं होता ना मैं ही फंस जाता। अरे बंजी कॉर्ड है कि हम ले पहले से जा नहीं पाए क्योंकि बीच में जाते रहते मिसिंग मारने लगी। ये लॉक जो चेंज हुआ था BS4 का, ये है BS3, जिसकी वजह से एयर पास नहीं हो रही थी और बाइक जो मिसिंग मार रही थी। तो अभी इसमें उनके रबर में छेद किया है जिससे एयर पास हो सके। प्लस अब हम जा रहे हैं रेंचो स्कूल, जो कि ले में ही है, आपने देखा होगा 3 इडियट्स वाला स्कूल, तो वहाँ जाएंगे अभी हम। आधे घंटे की दूरी पर हैं यहाँ से, वहाँ जा कर के फिर वापस आएंगे और शांति स्तूप पर जाएंगे सनसेट होने से पहले। सो लेट्स मूव टू रेंचो स्कूल। Thank you.